चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के सोयाबीन उत्पादक किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि फिर से दाम में गिरावट शुरू हो गई है। लातूर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से सुधार दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर से अचानक एक रात में ही सोयाबीन के दामों में गिरावट आ गई है, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है आगे पता नहीं क्या होगा। वहीं कुछ कृषि विशेषज्ञ किसानों से कह रहे हैं कि अब उन्हें सोयाबीन का भंडारण करके अच्छा दाम मिलने का इंतज़ार करना चाहिए। इस समय सोयाबीन का दाम गिरकर सीधे 6,900 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है, जबकि पहले 8,000 रुपये तक था। ऐसे में किसान भंडारण करना उचित समझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 21-22 के लिए सोयाबीन का MSP 3,950 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जबकि महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की प्रोडक्शन कॉस्ट अन्य राज्यों से अधिक आती है। ये यहाँ प्रति क्विंटल 6,234 रुपये है। यह लगातार 4 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को 8,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट मिलेगा, तभी इसका फ़ायदा होगा। यह किसानों को अच्छी तरह से पता है, इसलिए वह कम रेट पर सोयाबीन नहीं बेच रहे हैं। महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक सूबा है। यहाँ के ज़्यादातर हिस्सों में इसकी खेती होती है। ऐसे में इसके दाम में कमी का असर सीधे ग्रामीण इकोनॉमी पर दिखता है। कोई भी किसान भला लागत मूल्य से कम दाम पर कैसे सोयाबीन बेच सकता है, इसलिए राज्य के कृषि विशेषज्ञ किसानों को स्टॉक करने की सलाह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।